हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पांच वोकैब्स, तीन चार वोकैब्स याद करेंगे, देखेंगे, जो कि हमारे कोरोना से रिलेटेड हैं, जो कि हमारे कोरोना इस पैंडेमिक के समय में बहुत वर्ड्स वो यूज़ हो रहे हैं। पहला वर्ड है, आपको पता है, जैसा कि कोरोना टाइम चल रहा है तो मैक्सिमम लोग काढ़ा का इस्तेमाल करते हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो वॉट, हम लोग काढ़ा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सो वी विल से काढ़ा, इट्स इंग्लिश वर्ड इज डिकॉक्शन, DECOCTION, डिकॉक्शन मीन्स काढ़ा। और द सेकेंड वर्ड इज हफनी, आपने देखा होगा किसी को हफनी आती है ऊपर चढ़ने में, नीचे आने में, अभी फीवर है फिर भी काम कर रहे हैं तो हफनी आ रही है, तो हफनी को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे गैस्प, GASP, गैस्प। गैस्प मतलब हफनी। थर्ड वर्ड इज नीम, आपने देखा होगा कि बहुत लोग नीम का एज एंटीबायोटिक, एज इम्यूनिटी बूस्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग नीम को कहेंगे मैग्रोसा, MARGOSA, इट्स मैग्रोसा। ओके, नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट वर्ड इज कि बहुत चीज़ें हैं, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे वो मास्क हो, या फिर और भी नेसेसरी चीज़ें हो, उसको जो शॉप्स हैं वो मन मुताबिक दामों पे बेच रही हैं, जिसका कोई प्राइस फिक्स नहीं है, जितना मन हुआ उतना बेच रही हैं, हद से ज़्यादा प्राइस। हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम लोग इसको इंग्लिश में कहेंगे एक्सॉर्बिटेंट प्राइस, EXORBITANT, एक्सॉर्बिटेंट प्राइस। दोस्तों, अगर आपको डेली चार वोकैब्स पसंद आई हो और डेली इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको चार पांच वोकैब्स हम लोग डेली अगर करेंगे तो हम लोग को बहुत सारी वोकैब्स याद हो सकती हैं, एज अ पॉकेट वोकैब, एज अ डेली वोकैब। हम लोग रोज सिर्फ और सिर्फ चार वोकैब्स याद करके अपनी वोकैबलरी को स्ट्रांग कर सकते हैं। ओके गाइस, कल फिर मिलते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।